एक नारी सब पर भारी, प्रियंका गांधी पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है। प्रियंका ने जब से सियासत में एंट्री ली है, हर ओर उनकी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं प्रियंका की वो कौन सी खूबियां हैं जो विरोधियों की नैया डुबो सकती है। देखिए एक खास पेशकश। प्रियंका गांधी ने भले ही कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनका आभा मंडल किसी जीते हुए नेता से कम नहीं है। बरसों से कांग्रेस समर्थकों को कहते सुना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा की झलक दिखती है, लेकिन आज तक ये कहावत फकत कहावत ही लग रही थी। हकीकत तब लगने लगी जब प्रियंका गांधी ने सियासत का रुख किया, जिसके बाद विरोधियों में हड़कंप मच गया और एक नारा बुलंद हो गया कि एक नारी सब पर भारी। आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण प्रियंका सब पर भारी पड़ रही है। मोदी के विरुद्ध इंदिरा की छवि। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि विपक्ष इसलिए कमजोर है क्योंकि उनके पास मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है, लेकिन ये भी कहावत सुनी है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा का अक्स नजर आता है, वही शैली, वही वाक्पटुता। कांग्रेस के पास प्रियंका के नाम वो हुकुम का इक्का था जिसे उसने मौका देखकर ऐसा चला कि सब और सुर्खियां बन गई। अब मोदी के विराट व्यक्तित्व को इंदिरा की छवि वाली प्रियंका की टक्कर मिल सकती है। अमित शाह जैसी रणनीति। प्रियंका भले ही सक्रिय राजनीति में ना रही हो, लेकिन उनकी राजनीति का कोई सानी नहीं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि माँ सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में उनकी कितनी सक्रियता है। कहा तो ये भी जाता है कि माँ और भाई को उनके चुनावी क्षेत्र में कोई मुश्किल आ जाए तो प्रियंका गांधी खुद मोर्चा संभालती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी ही नजीर देखने को मिली, जब बीजेपी ने टीवी एक्ट्रेस रही स्मृति ईरानी को अमेठी से राहुल गांधी के विरुद्ध चुनाव में उतार दिया था। तब प्रियंका ने ऐसी रणनीति रची कि हारे हुए राहुल जीत गए। मजबूत कैंपेनर। प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग का कोई मुकाबला नहीं, वो इंदिरा गांधी जैसी सख्त मिजाज की लेडी हैं। वो कड़े फैसले और कड़े शब्द वाण छोड़ती है। वाक पटु तो इतनी कि प्रभावी भाषण देने के लिए उन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी शुद्ध हिंदी कि कांग्रेस का कोई और नेता शायद ही बोलता हो। तभी तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के गुजरात मॉडल पर उन्होंने ऐसा तंज कसा कि बीजेपी निरुत्तर हो गई थी। उनकी इसी कुशल कैंपेनिंग का कांग्रेस भरपूर फायदा लेना चाह रही है। बीजेपी महिला नेत्रियों को टक्कर। बीजेपी के पास सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी जैसी कुशल नेत्रियां हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब तक उनकी कोई काट नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस को ऐसी हुकुम की रानी मिल गई है जो सबकी खटिया खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर प्रियंका के पास मोदी के विरुद्ध इंदिरा जैसा आभा मंडल है, शाह जैसी रणनीति है, सुषमा और स्मृति जैसी कुशलताएं हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की यह नारी सब विरोधियों पर भारी है। अव्वल तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की यह इंदिरा बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएगी। खबर अपडेट की रिपोर्ट।